आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सेकुलर हैं भानु। विधायक भानु का पलटवार, कहा इरफान तो आइटम गर्ल हैं। दूसरी खबर, राजधानी में कोरोना का कहर, 3 कर्मी संक्रमित, बीएयू 2 दिन के लिए सील, मारवाड़ी कॉलेज में ऑफलाइन एग्जाम स्थगित। तीसरी खबर, मैट्रिक इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल मंगलवार से, पहली बार प्रायोगिक परीक्षा की अवधि 21 दिन की होगी। हर केंद्र पर रोजाना 15 बच्चों को शामिल कराने का निर्देश, स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही बच्चों को मिलेगा प्रवेश। चौथी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाएं कार्यकर्ता। पांचवी खबर, पलामू में महिला का मुंडन कर गांव में घुमाया, प्रेमी के घर से गांव लाकर पत्नी के चेहरे पर कालिख पोता, पति समेत 8 महिलाओं पर FIR। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही में नोकझोंक होती रहती है। इसी क्रम में सोमवार को डॉक्टर इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही की टोपी पहने तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि हमारे मित्र भाजपा के टिकट पर जीते जरूर हैं, पर उनके दिल में अल्पसंख्यकों के प्रति बेपनाह मोहब्बत है। मैं भानु प्रताप शाही को दिल से जानता हूं, वे पूरी तरह सेकुलर हैं। वे जहां से जीते हैं वहां अल्पसंख्यकों और दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। उन्होंने टोपी पहनकर साबित कर दिया कि वे महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में खड़े हैं। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूं। जवाब में भानु प्रताप शाही ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी UPA के आइटम गर्ल हैं। उनका काम ही आइटम दिखाना है। जहां से वे विधायक हैं वहां अल्पसंख्यकों से दबाव बनाकर उन्होंने दलितों के घर उजाड़ दिए। दलित वहां से पलायन को मजबूर हैं। भाजपा मधुपुर को जामताड़ा नहीं बनने देगी। मधुपुर में बहुसंख्यक भाजपा के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में जनता के साथ वादा खिलाफी की है, इसका असर मधुपुर उपचुनाव में भी पड़ेगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मारवाड़ी कॉलेज में UG और PG फर्स्ट सेमेस्टर का मिड टर्म एग्जाम 7 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में शुरू होना था, इस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। नोटिस जारी कर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इसकी सूचना दी गई है। परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में होगी, इसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। वहीं 3 स्टाफ के संक्रमित मिलने के बाद BAU मुख्यालय को सील कर दिया गया है। VC डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यालय अगले 2 दिनों तक सील रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तर को सैनिटाइज किया जाएगा। तीनों संक्रमित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय भवन नियंत्रक शाखा के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। COVID-19 के कारण इस वर्ष परीक्षा संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस बार 7 दिन की जगह 21 दिन तक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। जैक के अनुसार इस बात का ख्याल रखा गया है कि एक दिन एक स्कूल में अधिकतम 15 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हों। ऐसा पहली बार है कि जब प्रैक्टिकल परीक्षा की अवधि 21 दिन तक की गई है। इस दौरान सभी स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था संबंधित विद्यालय द्वारा की जाएगी। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक स्कूलों को 30 अप्रैल तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है, जबकि इंटर के परीक्षार्थियों के अंक जैक कार्यालय में जमा होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्राप्तांक 3 मई तक जैक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष मैट्रिक इंटर के सभी स्कूल कॉलेजों की परीक्षा गृह केंद्रों पर होगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस पार्टी के करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है, इसलिए कार्यकर्ता इसे उत्सव के रूप में मनाए। उन्होंने कहा कि भाजपा न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बल्कि यह पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी भी है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और अनेक क्षेत्रीय पार्टियां जहां परिवारवाद तथा वंशवाद से ग्रसित हैं, वहीं भाजपा ने देश को एक नया विकल्प दिया है। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी भाजपा पार्टी के करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं के समर्पण और परिश्रम का परिणाम है। पार्टी का स्थापना दिवस मनाने की प्रदेश भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है।
पार्टी के 27 सांगठनिक जिलों तथा 513 मंडलों में कार्यकर्ता पार्टी के महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन सुनेंगे। दिन के 10:20 पर जेपी नड्डा का संबोधन होगा, वहीं 10:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। पलामू में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें महिला का मुंडन कर उसके चेहरे पर काली पोत दिया गया और पूरे गांव में घुमाया गया। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा पंचायत का है, जहां रविवार की देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। महिला एक महीने पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। जब महिला के पति को यह पता चला कि वह पनेरीबाद में रह रही है, तो वहां से उसे लेकर अपने गांव पहुंचा। इसके बाद महिला की पिटाई भी की गई। थाना प्रभारी उदय गुप्ता ने बताया कि महिला से पूछताछ के बाद 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पति नरद समेत 8 महिलाएं शामिल हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।